ये कहानी है फ्यूचर की, यानी कि 2067 की, जहाँ पर कि हमें अर्थ को दिखाया जाता है जो कि क्लाइमेट चेंजेस की वजह से पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। पृथ्वी से ऑक्सीजन पूरी तरह से खत्म हो चुकी है और ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से लोग मर रहे थे। अब पूरी दुनिया में सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ही ऐसी जगह बची है जहाँ पर लोग आर्टिफिशियल ऑक्सीजन बनाने में कामयाब हो गए हैं, लेकिन ये ऑक्सीजन बहुत ही ज्यादा महंगी है। साथ ही यहाँ पर इस ऑक्सीजन की वजह से लोगों को सिकनेस नाम की एक बीमारी भी होने लगी है। उसके बाद हम इस मूवी के मेन कैरेक्टर ईथन को देखते हैं जिसकी वाइफ भी इस बीमारी का शिकार हो गई थी, और ईथन अपनी वाइफ को अच्छी क्वालिटी की ऑक्सीजन देने के लिए बहुत मेहनत कर रहा था, क्योंकि अब इस समय पर ऑक्सीजन के लिए भी पैसे चुकाने पड़ते थे। और ऑस्ट्रेलिया में जो ये लोग बचे हुए हैं वो एक खास कॉर्पोरेशन की वजह से बचे हुए थे, क्योंकि वो कॉर्पोरेशन आर्टिफिशियल ऑक्सीजन बनाती थी। इसके बाद हम देखते हैं कि ईथन को रेजिना अपने ऑफिस में बुलाती है। रेजिना ऑक्सीजन बनाने वाली कंपनी की सीईओ और एक रिसर्चर थी, जो कि ईथन को अपने पास बुलाकर उसे बता रही है कि अगर दुनिया में ये बीमारी इसी तरह से फैलती रही तो जल्द ही पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी और एक तुम ही हो जो इस दुनिया को बचा सकते हो। ईथन रेजिना की बातों से काफी कंफ्यूज हो जाता है, इसीलिए रेजिना ईथन को एक लैब में लेकर जाती है। ईथन के साथ उसका एक दोस्त भी था, और लैब में जाने के बाद ईथन को एक टाइम मशीन दिखाई जाती है और ईथन को बताया जाता है कि इस टाइम मशीन को ईथन के फादर ने ही बनाया था। रेजिना कहती है कि इस मशीन को सिर्फ तुम ही चला सकते हो, क्योंकि इस मशीन का एक पार्ट तुम्हारे हाथ में उस वॉच के रूप में है जो कि तुम्हारे फादर ने तुम्हें दी थी। वॉच के बारे में सुनते ही ईथन को याद आता है कि जब बचपन में उसके फादर ने उसे ये वॉच दी थी तो उसके हाथ से बहुत ज्यादा खून आया था और ये वॉच उसी के हाथ में फिट हो गई थी, लेकिन इस वॉच के बारे में ईथन को अब से पहले कुछ नहीं पता था। और अब ईथन को बताया जाता है कि इस टाइम मशीन से एक मैसेज रिसीव हुआ है जो कि फ्यूचर से आया है, और मैसेज में तुम्हें आज से 400 साल आगे यानी कि फ्यूचर में भेजने की बात हो रही है। अब यहाँ पर लैब के डॉक्टर ईथन को बताते हैं कि हमें पता लगा है कि आज से 400 साल आगे दुनिया फिर से पहले जैसी नॉर्मल हो गई है, यानी कि वहाँ पर प्लांट्स, ऑक्सीजन और वहाँ का क्लाइमेट एकदम नॉर्मल है, यानी कि वहाँ का एनवायरनमेंट फिर से हैबिटेबल हो गया है। अब वो ईथन से कहते हैं कि तुम्हें तुम्हारे फादर के एक्सपेरिमेंट के ही अकॉर्डिंग और तुम्हें वहाँ से ऑक्सीजन और प्लांट्स को कलेक्ट करके यहाँ पर लाना है, जिससे कि हम यहाँ की लाइफ को फिर से स्टेबल बना सकेंगे। ईथन को लग रहा था कि शायद ये सभी लोग मिलकर मेरे साथ कोई गेम खेल रहे हैं, और अगर सच में कोई ऐसी सिचुएशन है भी तो ईथन नहीं जाना चाहता था क्योंकि उसकी वाइफ बीमार थी। लेकिन साइंटिस्ट को लगता था कि अगर ईथन सच में उस दुनिया में चला जाएगा तो वो इस दुनिया को ठीक कर सकते हैं। अब इसके बाद हम ईथन को उसके फ्रेंड जूट के साथ देखते हैं जो कि उससे फ्यूचर में जाने के लिए मना रहा था, लेकिन ईथन को अपने फादर जैसा नहीं बनना था इसलिए वो नहीं जाना चाहता था, क्योंकि उसके फादर अपने काम के लिए उसकी माँ और उसे छोड़कर चले गए थे। और ईथन की मदर की डेथ के बाद से ही जूड ने ईथन का एक बड़े भाई की तरह ख्याल रखा था, इसलिए ईथन अपने फादर की तरह अपनी वाइफ को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। लेकिन जूड उसे समझाता है कि देखो तुम्हारी वाइफ बीमार है और उसे ठीक करने का सिर्फ एक यही तरीका है कि तुम फ्यूचर में जाकर प्लांट्स को यहाँ तक लेकर आओ, जिससे कि यहाँ का एनवायरमेंट ठीक हो जाएगा और साथ ही तुम्हारी वाइफ भी। और अब घर जाके ईथन जब ये सारी बातें अपनी वाइफ को बताता है तो उसकी वाइफ भी उसे फ्यूचर में जाने के लिए कहती है। हालांकि उसकी वाइफ नहीं चाहती थी कि ईथन फ्यूचर में जाए, लेकिन फिर भी वो सभी लोगों को देखते हुए उससे ऐसा कहती है। अब अगली सुबह बहुत ज्यादा सोचने के बाद ईथन रेजिना के पास जाता है। ईथन उससे कहता है कि ठीक है मैं जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर मेरे पीछे तुम्हें इलाज मिल जाता है तो तुम सबसे पहले मेरी वाइफ का इलाज करोगे। अब इस बात के लिए रेजिना मान जाती है और ईथन की फ्यूचर में जाने की तैयारियां शुरू हो जाती है। यहाँ पर ईथन को एक सूट दिया जाता है जो कि उससे मशीन में जाने से पहले पहनना था, और अब इसके बाद जब ईथन उनसे आगे का प्लान पूछता है तो उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था। उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि ईथन को फ्यूचर में कौन मिलेगा या ईथन वापस कैसे आएगा। उन्हें इस बात तक का यकीन नहीं था कि ईथन यहाँ पर ऑक्सीजन और प्लांट्स को ला भी पाएगा या नहीं, लेकिन अब तो ईथन को जाना ही था। अब उसे एक डिवाइस दी जाती है जो कि ईथन को पास्ट से कनेक्ट रखेगी। अब इसके बाद ईथन को मशीन में बैठा दिया जाता है और वो लोग टाइम सेट करके मशीन को ऑन कर देते हैं। यहाँ लैब में मशीन के चलने के बाद एक रेडियो वेव का ब्लास्ट होता है, और दूसरी तरफ ईथन मशीन के अंदर बहुत ही तेजी से मूव कर रहा था, और अब वो आखिरकार आसमान से होता हुआ एक अनजान जंगल में आकर गिरता है। हवा में बहुत ही ज्यादा स्पीड से सफर करने की वजह से ईथन के सूट में आग लग जाती है, जिसे कि वो जल्दी से नीचे आकर उतार देता है। और इस सब के बाद वो अपने चारों तरफ देखता है, जहाँ वो पाता है कि ये दुनिया फिर से पहले जैसी हो गई थी। ईथन अब नेचुरल ब्यूटी और ऑक्सीजन को एंजॉय कर पा रहा था, और आगे जाने पर उसे एक स्केलेटन नजर आता है जिसके सर पर एक बुलेट का निशान था, और जब वो उस स्केलेटन के ड्रेस पर नाम
पड़ता है तो वो घबरा जाता है क्योंकि वो उसी का स्केलेटन था। और फिर यहाँ पर ईथन को वैसी डिवाइस भी मिलती है जैसी डिवाइस उन साइंटिस्ट ने ईथन को दी थी। ये सब देखकर ईथन बहुत ज्यादा डर गया था और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उस स्केलेटन के हाथ में भी बिल्कुल ईथन जैसी ही वॉच थी, लेकिन यहाँ पर फर्क सिर्फ लाइट का था। स्केलेटन की वॉच में ग्रीन लाइट थी और ईथन की वॉच में रेड लाइट थी। ये चीज उसे थोड़ा कंफ्यूज कर देती है। ये सब देखते हुए उसे यहाँ रात हो जाती है। अब ईथन रात गुजारने के लिए आग जलाता है और कुछ बेरीज को खाने की तरह यूज करता है, लेकिन ये बेरीज जहरीली थी, इसी वजह से ईथन की तबीयत खराब हो जाती है और ईथन बेहोश हो जाता है, जिसके बारे में उस डिवाइस की मदद से लैब में पता लग जाता है। जब ईथन होश में आता है तो उसके पास उसका फ्रेंड जूड था, जिसे कि ईथन को बचाने के लिए पास्ट में भेजा गया था। अब कुछ देर बाद ईथन और जूड को आगे जाने पर एक डोर नजर आता है और अब हम देखते हैं कि ईथन का स्केलेटन जो पहले उसने देखा था वो अब इस डोर के आगे था, जिससे हमें अंदाजा लग जाता है कि पास्ट में जरूर कुछ चेंज हुआ था। अब उसी दौरान वहां से एक स्कैनर निकल के आता है और ईथन की आई को स्कैन करके वहां पर एक गेट खुल जाता है और उसके अंदर जाने पर इन्हें पता लगता है कि ये वही लैब है जहाँ से इन्होंने स्टार्ट किया था। जूड ये देखकर काफी खुश हो जाता है क्योंकि अब इनके सामने वही टाइम मशीन है जिससे ये अपने टाइम में वापस जा सकते थे। लेकिन उन्हें टाइम मशीन के ऊपर एक टाइमर नजर आता है जिससे उन्हें पता लग जाता है कि ये लैब डीएक्टिवेट होने के 4 घंटे बाद खुद से ही खत्म हो जाएगी। और इस सिस्टम को इसलिए डिजाइन किया गया था ताकि इसका कोई गलत फायदा ना उठा सके। यहाँ पर ईथन एक होलोग्राम ऑन करता है जहाँ पर उसके फादर ने इस प्रोजेक्ट के बारे में काफी डिटेल बताई थी, जिसके मुताबिक इन्हें जल्दी जल्दी अपना काम करना था और ऑक्सीजन और प्लांट्स को कलेक्ट करके वापस अपने टाइम में जाना था। लेकिन जब ये देखते हैं कि ऑक्सीजन कलेक्टर जिसमें ऑक्सीजन कलेक्ट होती वो मशीन खराब है तो ये बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं। अब इन्हें इस मशीन को 4 घंटों के अंदर अंदर रिपेयर करना होगा, लेकिन अब इनके पास टाइम बहुत कम था। और यहाँ से बाहर जाने पर उन्हें पूरा शहर प्लांट्स से कवर मिलता है और जगह जगह पर उन्हें इंसानी कंकाल भी मिलते हैं, जिससे इन्हें पता लगता है कि इस शहर में सभी इंसानों के खत्म होने के बाद ही ये प्लांट्स उगे थे। इसके बाद ईथन फ्यूचर में अपने घर जाता है और अपनी वाइफ के स्केलेटन को देखकर काफी इमोशनल हो जाता है और ईथन को जो फ्यूचर में डिवाइस मिली थी उसकी रिकॉर्डिंग ऑन करता है और उसे पता लगता है कि जूड ही उसे शूट करेगा और ये रिकॉर्डिंग जूड भी सुन लेता है और वो सच में उसे शूट करने के लिए गन निकालता है, लेकिन ईथन किसी तरह से उसे रोक लेता है और वो डिसाइड करता है कि वो मरने से पहले इस मशीन को ठीक करेगा। खैर अब ये लोग लैब में दोबारा वापस आते हैं जहाँ पर इनके पास अब 37 मिनट ही रह गए थे। वहीं अब ईथन लैब के बाहर अपनी स्केलेटन को दोबारा देखने के लिए जाता है कि जूट को रोकने के बाद उसका फ्यूचर चेंज हुआ है या नहीं, लेकिन उसका स्केलेटन उसी जगह पर वैसा ही था, जिससे वो समझ जाता है कि उसका फ्यूचर अभी चेंज नहीं हुआ है। लेकिन अब वो अपने फ्यूचर को जानना चाहता था, इसलिए अब वो अपने डिवाइस की बैटरी निकालकर फ्यूचर के डिवाइस में डालता है, जहां पर उसे वो वीडियो नजर आती है जहां जूट ने उसे मारा था। अब जूड उसे समझाता है कि अब हमारे पास वैसे भी ज्यादा टाइम नहीं है और इस ऑक्सीजन कलेक्टर को ठीक करने में हमें और टाइम लग जाएगा, इसलिए हमें पहले ही टाइम मशीन में बैठकर पास्ट में चले जाना चाहिए। लेकिन ईथन उसकी बात ना मानते हुए उसे एक रूम में लॉक कर देता है। वो लैब में आकर अपने फादर का रिकॉर्डेड होलोग्राम शुरू करता है। ये होलोग्राम उस दिन का था जिस दिन उसके फादर की डेथ हुई थी। अब ईथन उस होलोग्राम में देखता है कि उसके फादर अपनी बनाई हुई टाइम मशीन और अपनी दूसरी इन्वेंशन से मैनकाइंड को बचाना चाहते थे, लेकिन रेजिना उस मशीन को अपने काम के लिए यूज करना चाहती थी और क्योंकि रेजिना अपने इस मकसद में कामयाब ना हो जाए, इसलिए ईथन के फादर ने इस मशीन को ईथन के डीएनए से कनेक्ट कर दिया था। यही वजह थी कि वो वॉच पहनने पर ईथन के हाथ से ब्लड आया था, लेकिन रेजिना हार मानने वाली नहीं थी, इसलिए उसने जूट के साथ मिलकर ईथन के पेरेंट्स को मार दिया ताकि वो फ्यूचर में ईथन को अपने मकसद के लिए यूज कर सके। ईथन ये देखकर बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है कि जिसे वो अपना भाई मानता था उसी ने उसके साथ ऐसा किया। यहाँ पर ईथन को ये भी पता लग गया था कि वो इतने सालों से अपने फादर को गलत समझ रहा था, वो भी सिर्फ झूठ के कहने पर। लेकिन अब ईथन रेजिना को अपने मकसद में कामयाब नहीं होने देना चाहता था, इसलिए वो टाइम मशीन को डिस्ट्रॉय करने वाला था, लेकिन तभी जूड आकर उसे रोक देता है। अब जूड ईथन को बताता है कि मुझे रेजिना ने इसलिए भेजा है कि जब ईथन उस डिफेक्ट को ठीक कर रहा होगा तो मैं तुम्हें मार दूं, लेकिन जूड भी ईथन को अपने भाई की तरह समझता था, इसलिए वो ईथन को मारने से पहले ही खुद को शूट कर लेता है। और अब ईथन अपने फादर का मकसद पूरा करने के लिए काम करता है। इसके बाद वो बहुत ही जल्द ऑक्सीजन कलेक्टर को भी ठीक कर देता है और सारे एक्सटेंडेड प्लांट भी मशीन में रखकर उन्हें पास्ट में भेज देता है, लेकिन वो खुद पास्ट में नहीं गया था। यहाँ पर ईथन ने अपने फादर के मर्डर और रेजिना के प्लान के एविडेंस भी इस मशीन में साथ रखकर भेजे थे। पास्ट में रेजिना का सारा प्लान डिस्ट्रॉय हो जाता है और उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। यहाँ पर पास्ट में ईथन अपनी वाइफ के लिए एक फ्लावर भी भेजता है और खुद फ्यूचर में टाइम मशीन को डिस्ट्रॉय कर देता है ताकि कोई उसका गलत इस्तेमाल ना कर सके। और अब जब ईथन लैब से बाहर आता है तो उसे वहां पर कोई स्केलेटन नजर नहीं आता, जिससे वो समझ जाता है कि पास्ट बदल चुका है और उसके इस अच्छे डिसीजन ने पूरी मानव जाति को बचा लिया। इसके बाद फ्यूचर की ग्रीनरी को दिखाते हुए ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। तो दोस्तों इस फिल्म को लेकर आपकी क्या राय है? अगर ऐसी सिचुएशन सच में पृथ्वी पर हो जाए तो सभी जिंदा चीजों का खात्मा बड़ी ही आसानी से हो सकता है। तो हमें पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग और भी नेचुरल डिजास्टर से बचाने के लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको ऐसी ही और वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।